हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश मेहरोत्रा, CA स्टूडेंट। मैं आज आपके साथ कुछ विशेष जानकारी साझा करने आया हूँ। आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है। काफ़ी सारी ड्यू डेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लास्ट वीक ऑफ जून या 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आज हम आपसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे GSTR एक्ट की ड्यू डेट्स की। GSTR एक्ट में की ड्यू डेट्स में जो 3B फाइल करना होता था, उन्हें जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम था जिनका, उनकी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है लास्ट वीक ऑफ जून। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, इसका भी आना बाकी है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हम बात करेंगे उन ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है जिनको फाइल करना होता था मार्च, अप्रैल या मई में, यानी कि जिन्होंने सप्लाई की हुई होती थी फरवरी, मार्च या अप्रैल में, उनकी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। सब कुछ माफ़ कर दिया गया, सिर्फ टैक्स देना होगा लास्ट वीक ऑफ 30 जून तक। अब हम बात करेंगे 3B उनको, जिनको 5 करोड़ से जिनका टर्नओवर ऊपर है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए लेट फीस तो माफ़ है, पेनल्टी भी माफ़ है, लेकिन इंटरेस्ट माफ़ नहीं है। इंटरेस्ट में 50% का कंसेशन है, यानी कि पहले उन्हें 18% से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता था, अब उन्हें 9% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि उनकी ड्यू डेट्स में कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ लेट फीस और पेनल्टी को माफ़ किया गया और इंटरेस्ट में कंसेशन दिया गया है, इसके अलावा और कोई एक्सटेंशन नहीं उनके लिए। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन डीलर्स के लिए। कंपोजिशन डीलर्स को CMP 08 फाइल करना होता था, जनवरी से लेकर मार्च तक का पेमेंट करना होता था, उसकी भी ड्यू डेट अप्रैल में आती थी, 18 अप्रैल होती थी, बट अब उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून या लास्ट वीक ऑफ 30 जून तक कर दिया गया है। इसका मतलब उन्हें पेमेंट करना और रिटर्न करना दोनों फाइल, जो CMP 08 फाइल करना होता था उसकी ड्यू डेट लास्ट वीक ऑफ जून 2020 हो गई है। अब हम बात करेंगे एक एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आती थी। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 18-19। जिनका एनुअल रिटर्न 18-19 का फाइल करना था, उसकी ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020, बट उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया और 30 जून 2020 उसकी भी ड्यू डेट को कर दिया गया है। अब हम आपके साथ बात करेंगे किसी भी ऑर्डर की। आपके कोई ऑर्डर आया था आपके खिलाफ, आपको कोई अपील फाइल करनी थी, किसी नोटिस का रिप्लाई देना था या किसी भी तरीके का और कोई नोटिफिकेशन जिसकी ड्यू डेट, जिसको जवाब देने की जिसकी तारीख आपकी 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 के बीच में आ रही थी, उसकी ड्यू डेट को भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। यानी कि अगर आपको किसी नोटिस का रिप्लाई देना था, किसी और क्वेरी का रिप्लाई देना था, डिपार्टमेंट को किसी अपील का रिप्लाई देना था, उन सब की ड्यू डेट को बढ़ा करके 30 जून 2020 तक एक्सटेंड। अब हम आपके साथ बात करेंगे कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट और सर्विस टैक्स के ड्यू डेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे कस्टम एक्ट की। कस्टम एक्ट में जो कस्टम क्लियरेंस हमें लेनी होती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उसको 24/7 के लिए ओपन कर दिया गया है, इसमें कोई बिजनेस आवर नहीं है टिल 30 जून 2020 तक के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यू डेट्स की। वो ड्यू डेट्स जिसमें किसी नोटिस का आपको रिप्लाई देना था, कोई ऑर्डर आया था उसका जवाब देना था या किसी और तरीके का कोई सैंक्शन ऑर्डर, अप्रूवल ऑर्डर था जिसकी ड्यू डेट आ रही थी 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 के बीच में, उसकी भी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 जून 2020 तक आपको इन नोटिसेस का रिप्लाई देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, एक हमारे पास स्कीम थी SVLDRS स्कीम। इसमें जो सर्विस टैक्स एक्साइज एक्ट में जो केसेस लगे हुए थे पुराने, उनको लेकर के ये स्कीम बनी हुई थी, बहुत टाइम से चल रही थी, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी कुछ नहीं देनी थी, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट करना था। उस स्कीम की भी जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हनी गोयल एंड आई एम हेयर टू गिव यू ऑल अ ब्रीफ डिटेल अबाउट द इनकम टैक्स ड्यू डेट्स व्हिच हैव बीन एक्सटेंडेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ COVID-19। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग लेट रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का लेट रिटर्न आप 31 मार्च 2020 तक ही फाइल कर सकते थे, बट नाउ इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। इट मीन्स कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 का लेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ Chapter 6। Chapter 6 में डिडक्शंस क्लेम करने के लिए आपको 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट्स कर देना होता था, तभी आप उसके डिडक्शंस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते थे, बट नाउ इसकी डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स 30 जून 2020 तक भी किए हैं तो भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के इनकम टैक्स रिटर्न में उनका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। द नेक्स्ट 4th अपडेट इज़ रिगार्डिंग
विवाद से विश्वास स्कीम. नो एडिशनल 10% अमाउंट विल बी चार्ज इफ सबमिशन इज मेड बाय लेटेस्ट 30th जून 2020. एंड आवर फिफ्थ अपडेट इज फॉर द ड्यू डेट्स ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशंस, रिपोर्ट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द अथॉरिटी एंड एनी कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स फॉर रोल ओवर बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्विलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास लॉ, वेयर द टाइम लिमिट इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th मार्च टू 31st मार्च 2020 शैल बी एक्सटेंडेड टू 30th जून 2020. एंड द लास्ट अपडेट इज रिगार्डिंग द डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एसटीटी, सीटीटी, इक्विलाइजेशन लेवी. If they are made between 20th March 2020 to 30th June 2020, reduced interest rate of 9% per annum will be charged instead of 18% or 12% per annum which used to be charged. Yani, ki agar aap 20th March 2020 aur 30th June 2020 ke beech mein koi bhi payment karte hain, to us pe interest charge hoga, but on a lower rate which is 9% per annum. And there is also one update that no late fees or penalty shall be charged for delay relating to this period. Now there are a few additional updates regarding the financial services. Government is providing relaxation for 3 months for all the debit card holders. They can withdraw cash for free from any other bank ATM for 3 months, and waiver of minimum balance fees which was required, and reduced bank charges for digital trade transaction for all trade finance customer. So yeah, this was all from my side, and thank you so much for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe. Welcome viewers, as we all are aware of the novel corona outbreak in our country, corporate affairs have relaxed few compliances in regard to this global pandemic. I am here to explain the detail about these. We begin with Ministry of Corporate Affairs. No additional fees shall be charged for late filing during a moratorium period from 1st April to 30th September 2020 in respect of any document, return, statement, etc. required to be filed in the MCA 21 registry, irrespective of its due date. This will not only reduce the compliance burden, including financial burden of companies or LLPs at large, but also enable long-standing non-compliant companies to make a fresh start. Second, the mandatory requirement of holding meetings of the board of the companies within prescribed interval provided in the Companies Act, that is 120 days, shall be extended by a period of 60 days till next two quarters, that is till 30th September. Applicability of Companies Auditor's Report Order 2020 shall be made applicable from the financial year 2020-21 instead of financial year 2019-2020 as notified earlier. This will significantly ease the burden on companies and their auditors for the financial year 2019-2020. As per Schedule 4 of the Companies Act 2013, independent directors are required to hold at least one meeting without the attendance of non-independent directors and members of the management. For the year 2019-20, if the independent directors of a company have not been able to hold even one meeting, the same shall not be viewed as a violation. Requirement to create a deposit reserve of 20% of deposits maturing during the financial year 2020-21 before 30th April 2020 shall be allowed to compiled with till 30th June 2020. Requirement to invest 15% of debentures maturing during a particular year in specific instruments before 30th April 2020 may be done before or on 30th June 2020.
Newly incorporated companies are required to file a declaration for commencement of business within 6 months of incorporation. An additional time of 6 months shall be allowed. Newly non-compliance of minimum residency in India for a period of at least 182 days of at least one director of every company under Section 149 of the Companies Act shall not be treated as violation. Detailed notification circulars in this regard shall be issued by the Ministry of Corporate Affairs separately. We next move to Department of Commerce. Extension of timelines for various compliances and procedures will be issued by the Ministry of Commerce. Next, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Due to the emerging financial distress faced by most of the companies on account of the large-scale economic distress caused by COVID-19, it has been decided to raise the threshold of default under Section 4 of the IBC 2016 to Rs. 1 crore from the existing threshold of Rs. 1 lakh. This will by and large prevent triggering of insolvency proceedings against MSMEs. If the current situation continues beyond 30th April 2020, we may consider suspending of Section 7, 9 and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for a period of 6 months so as to stop companies at large from being forced into insolvency proceedings. Thank you for फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि वो भी इस ड्यू डेट से अवेयर हो सके। इसी के साथ अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है कि हम किसी और भी टॉपिक पर कोई और भी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो आपके लिए बनाएं तो हमें बिल्कुल बताना ना भूलें। हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आएँ।